दोस्तों अपनी शानदार एक्टिंग से अभिनयन का लोहा मनमाने वाले अभिनेता सनी देओल बचपन में काफी शरारती थे। हालांकि लेकिन 12 साल की उम्र में सनी ने एक ऐसी शरारत कर दी जिसके बाद पिता धर्मेंद्र ने उनकी जमकर पिटाई की। हालांकि आइए जानते हैं सनी ने ऐसे क्या किया था जिससे पिता धर्मेंद्र ने उन पर हाथ उठा दिया था। पहले आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बता दें कि कुछ समय पहले अभिनेता धर्मेंद्र भी एक टीवी शो में गए थे जहाँ उन्होंने रैपिड फायर राउंड खेला था। हालांकि इस दौरान शो के होस्ट ने धर्मेंद्र सिंह के दौरान बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। हालांकि ऐसे में धर्मेंद्र ने सनी देओल को लेकर कहा था कि वह एक बार सनी के खेलने के लिए एक बंदूक खरीद कर लाए थे। हालांकि बंदूक से खेलते हुए सनी ने घर के सारे शीशे तोड़ दिए और इस बात पर उन्होंने बहुत गुस्साया। हालांकि जिसके बाद उन्होंने सनी को पीटना शुरू कर दिया था। हालांकि आगे धर्मेंद्र ने बताया कि सनी को पीटने के बाद उन्होंने बहुत दुख हुआ और वह आज भी इस पल को याद करते हैं तो उन्हें काफी तकलीफ होते हैं। हालांकि धर्मेंद्र चाहते हैं कि दोनों बेटे हमेशा उनके साथ समय बिताए, लेकिन वह दोनों उनसे इतना डरते हैं कि उनके पास बैठते तक नहीं है। हालांकि धर्मेंद्र और बॉबी एक साथ फिल्म अपने में नजर आ चुके।